हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का गौरव चा फिटनेस में। भाई लोग आज आपको भाई लाया है लेग्स का वर्कआउट। भाई हमारा लेग्स पतला दिखता है, लेग्स मजबूत नहीं है, तो इस तरह करना है आपको। लेग्स ट्रेन करना है, लेग्स पंप करना है घर पे ही। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो आपका भाई ने क्या है होम वर्कआउट, प्योर होम वर्कआउट आपके लेग्स को अच्छे से पंप कर देगा और थोड़ा बहुत बिल्ड होने में भी मदद करेगा घर पे ही बिना किसी इक्विपमेंट के। बस आपको डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज परफॉर्म करना है और इसमें आपको फेलियर तो फेलियर तक जाना है। लास्ट जो आपका एक्सरसाइज हो बनाओ तो एक्सरसाइज करके तो वर्कआउट देखो और इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना। कोई मर्जी जाकर पूछ सकते हो गौरव चा फिटनेस का इंस्टाग्राम है, आओ उधर पूछो और वर्कआउट देखो और साथ साथ फॉलो करो, ठीक है। तो वर्कआउट स्टार्ट करो। स्क्वाट, पहले हम सिंपल स्क्वाट से वार्म कर लेंगे। बेस्ट एक्सरसाइज है भाई वार्म के लिए, अपने लेग्स को तगड़ा करना है। पहले वार्म करो स्क्वाट से, सिंपल स्क्वाट लगाना है आपको। 25 से 30 मिनट प्रेशर निकालो, 2 से 3 सेट करना, सिंपल है आपको। बस ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है पांव के बीच में, हाथ सामने रख लो जिससे कि आपका फोर जो है वो पीछे का बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगा, ज्यादा बेंड नहीं होगा। और लेवल डाउन अप, इस तरह करके आप स्टार्ट करोगे पहला वार्म से स्क्वाट से, सिंपल स्क्वाट से। घर पे ही ट्रेन करना है, पंप कर लो पहले सिंपल स्क्वाट से। पूरा नीचे आओ, अप पूरा नीचे अप। आपका भाई ऊपर से भाई क्वाड्स वगैरह अच्छे से पंप हो जाएगा, ये एरिया जो है अच्छे से पंप हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को करना है वार्म, ये हमारा पहला वार्म हो जाएगा, ठीक है। पहले करना है वार्म, अब आ जाता है एक्सरसाइज पे। प्रॉपर एक्सरसाइज लेग्स का क्या करें जिससे कि मतलब कि थोड़ा बहुत हमारे लेग्स मसल पे टेंशन पड़े, क्वाड्स पे हमारे हैमस्ट्रिंग्स पे सारे पे ध्यान रखेंगे। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं भाई अपने लंजेस से। लंजेस से पहले स्टार्ट करते हैं, एक लेग पे एक टाइम पे काम करेंगे, ठीक है। लेग्स को सामने रखेंगे, इस लेग्स को पीछे स्ट्रेच कर देंगे और बस ग्राउंड को टच करके आप ये इस तरह से आपको लगाना है 15-20 रेपिटेशंस। बस टच करके आप ग्राउंड पे जोड़ ही डालना है पूरा, इस तरह करके आप लगाओगे 15-20 रेपिटेशंस। फिर दूसरे साइड से ये आपका सिंपल अल्टरनेट लंजेस हो जाएगा, जिसमें कि आप सोली एक टाइम पे एक साइड पे टारगेट कर रहे हो। अभी क्या हो जाएगा, स्पीड मिस को करोगे, रेस्ट नहीं लेना है, इसी के तुरंत बाद स्टार्ट कर दो स्पीड से लंजेस, अल्टरनेट लंजेस इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या होगा, रेस्ट बहुत ही कम मिलेगा आपके लेग्स को और आपका लेग्स अच्छे से पंप होगा। तो पहला एक्सरसाइज हमारा सिंपल लंजेस प्लस हमारा अल्टरनेट लंजेस को स्पीड में करके, ठीक है। पहला एक्सरसाइज हो गया हमारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो हमारा, ईंट को ले लेंगे जो कि हमने वेट के लिए लिया है। अगर आपके पास डंबल है तो डंबल लो, अगर डंबल नहीं है तो उस केस में आप ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइड में रखो, ठीक है। नीचे जाओ पूरा ऑन द वे अप, आर्म्स का कोई हेल्प नहीं, पूरा रिलैक्स छोड़ो, वेट को रिलैक्स, वेट को पूरा नीचे की ओर रिलैक्स छोड़ो, नीचे जाओ अप। ये हमारा दूसरा नंबर एक्सरसाइज जाएगा भाई, जिसमें कि हम थोड़ा सा वेट के साथ हम स्क्वाट कर रहे हैं इस तरह से। ये हमारा दूसरा नंबर एक्सरसाइज रहेगा और इस एक्सरसाइज के तुरंत रेस्ट नहीं लेना है। आज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कि हमने क्या करना है, दोनों हैंड को कंबाइन करना है इस तरह से, नीचे रखना है सामने की तरफ, ऑल द वे डाउन अप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा हो जाएगा वेटेड स्क्वाट के बाद इस बिना रेस्ट का। ये एक्सरसाइज हमें फॉर्म करना है सामने का क्वाड्स पे ध्यान रख के, सामने का लेग्स के पार्ट पे ध्यान रख के, ठीक है। अभी आ जाना है पीछे के पार्ट पे, सामने से पीछे के पार्ट पे हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को कैसे ट्रेन करेंगे। हमारे पास अगर डंबल है तो डंबल, अगर ईंट है तो ईंट से ट्रेन करना है। हमने क्या करना है, अपने सिंपल जो आप स्क्वाट लगाते हो, सिंपल स्क्वाट कह रहा हूँ, डेडलिफ्ट लगाते हो, अगर जिम जाते हो डेडलिफ्ट किस तरह लगाते हो आप लोग, इस तरह बेंड करते हो इस तरह रख के। अब आपको क्या करना है, यही पोजिशन में रखना है, लेकिन नीचे तब तक जाओ जब तक आपके हैमस्ट्रिंग्स पे प्रेशर, आपको थोड़ा बहुत फोर्स महसूस हो, थोड़ा बहुत टेंशन महसूस हो, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क उस पर जब पता चले, थोड़ा बहुत दर्द उसके हो, बस अब पूरा ऊपर आना है हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करके। सिंपल एक्सरसाइज, आपने ईट लेना इस तरह से, ठीक है, और इस तरह सिंपल डेडलिफ्ट के पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। और आपने नीचे जाना है, स्क्वाट पे फील करो थोड़ा बहुत फर्क, अप 1, नीचे जाओ प्रेशर फील करो स्क्वाट अपने हैमस्ट्रिंग्स पे, अप। आपका हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा भाई, आपका लेग्स का पीछे वाला पार्ट भी तगड़ा होना जरूरी है, तभी आपका ऑल ओवर लेग्स का जो है भाई चौड़ाई बढ़ेगा और लेग्स आपका हैवी दिखेगा, अच्छा दिखेगा अपर बॉडी से अच्छा दिखना से। अगर आपका लोअर बॉडी आपका अगर सही नहीं है भाई, तो आपका फिजिक बेकार कर देता है भाई, कुछ लुक नहीं देता आपके फिजिक को, कमजोर लगती है, ठीक है। तो नीचे का बेस को आप लोगों को मजबूत रखना है, ठीक है, नीचे का बेस मजबूत रखना है और अच्छे से बिल्ड करना है, अपर बॉडी प्लस लोअर बॉडी साथ साथ लेके चलना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा स्क्वाट प्लस जंप। आपने बीच बीच के बॉडी वेट भी याद करना है, जिससे कि हमारा वर्कआउट का जो है इंटेंसिटी वो लेवल अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी करेंगे भाई स्क्वाट जंप, ठीक है? आपने क्या करना, सिंपल स्क्वाट फिर उधर अप, ये इसका भी लगाना है आपने 15 से 20 रेपिटेशंस। इससे क्या होगा, आपका लेग सबसे पंप हो जाएगा, ठीक है? स्क्वाट प्लस जंप, इसमें रेस्ट कम रख रहे हैं। स्क्वाट में क्या होता था, हम स्क्वाट करते थे फिर ऊपर आते थे, अभी स्क्वाट कर रहे हैं रेस्ट बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, फिर ऊपर जंप कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, प्लस हमारा अच्छे से पंप भी हो रहा है ऑल ओवर लेग्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भाई हमारा, इसमें क्या लगाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर क्या करना है, दोनों इनको कंबाइन पाँव में इतना डिस्टेंस, ठीक है, ऑल द वे डाउन। आपका जो ये वेट है इस पर कोई जोर नहीं डालना है, वेट को रिलैक्स रखना है। आपका जो वेट का जो प्रेशर है वो अपने पाँव पे महसूस करोगे, वेट का जो इधर आर्म्स से कोई हेल्प नहीं। आप इस तरह करके 15 से 20 मिनट निकालोगे, अच्छे से आपका लेग्स पंप हो जाएगा घर पे ही बिना किसी कंपन के, ठीक है? ये एक्सरसाइज हो गया हमारा, जो सिंपल एक्सरसाइज था लेग्स को पंप करना है घर पे। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये सिंपल एक्सरसाइज का 4 से 5 सेट लगाओ, रिपिटेशन बढ़ाते रहो और इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, एक अलग अलग एक्सरसाइज आगे पीछे करके ऐड करते रहो, जिससे कि आपका वर्कआउट अच्छा हो, वर्कआउट की इंटेंसिटी तगड़ा हो और आपका जो है रिजल्ट अच्छा मिले घर पे ही बिना इक्विपमेंट के इस्तेमाल करें। वीडियो कैसा लगा भाई, लेग्स को पंप करना है, लेग्स को ट्रेन करना है, इस पेड़ से अच्छा लेग्स बनाना है, घर पे ही अच्छे से ट्रेन करो और अपने लेग्स को अच्छा करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और जे कंटेंट के साथ और जे टॉपिक के साथ।